एक संघ, वहां सब लोग आए गाते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, देखो भागवत हमारे पुराण गेय है, छंदबद्ध है, ज्ञान भी उपदेश भी कितना लय युक्त होता है, इसका दृष्टांत है। ये कहने में भी एक लय है, इसमें गेयता है, तात्पर्य है इसका गायन करना, गाया जा सकता है भागवत के श्लोकों को भिन्न भिन्न रागों में, अलग अलग ताल में निबद्ध करके गाओ। अभी कुछ लोग गाते हैं इसी राग में इसी ताल में, आश्चर्यमेकं समभूतदानिन् तदुच्यते संश्रेणु शौनकत्वम्, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति ही सुतौ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
गंगा के तट पर कथा चल रही थी और हरिनाम संकीर्तन करता हुआ एक संघ वहां पर आया। कौन थे उसमें? भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमै करूपासहसा वीरासी भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर पधारी। अब वो तो रो रही थी जमुना जी के तट पर, कथा यहां प्रारंभ हो रही है गंगा के तट पर और भक्ति जमुना के तट पर थी, वहां से चली। अकेली नहीं आई, साथ में उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग, वे सोए हुए थे जमुना जी के तट पर। कथा गंगा के तट पर शुरू हुई और ज्ञान वैराग्य जमुना जी के तट पर जाग गए। ये भागवत की महिमा देखो, और कितने केवी का स्टेशन होगा, ये कवरेज एरिया कितना बड़ा है। पावरफुल रेडियो स्टेशन हो तो बीबीसी लंदन भी हम पकड़ते हैं अपने रेडियो में। भागवत का स्टेशन इतना पावरफुल है कि पूरे विश्व के लोग पकड़ सकते हैं इस संदेश को। तथा गंगा के तट पर प्रारंभ हुई और ज्ञान वैराग्य जमुना के तट पर जागे। केवल जागे ये बात नहीं, तरुण हो गए, बुढ़ापा दोनों का चला गया। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति ही सुतौ तौ तौ तरुणौ सुतौ गृहीत्वा भक्ति ही अपने उन तरुण पुत्रों को लेकर के भक्ति देवी आई। बुढ़ापा चला गया, तरुण हो गए, अब मां युवती है, बेटे तरुण है, अब बात कुछ जम रही है। मां जिसकी जवान हो और बेटे बूढ़े हो, बड़ा विचित्र लगता। नाचते गाते हरिनाम संकीर्तन करते ज्ञान वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ आए, लेकिन आवाज तो संकीर्तन की बहुत बड़ी थी। ये तीन जने ही बोले, नहीं केवल तीन नहीं है, उसके साथ साथ पूरी एक टोली आई, पूरा संघ भाई उसमें। बोले भारत के सकल तीर्थ शरीर धारण करके साथ में आ गए। प्रयाग, पुष्कर, दंडकारण्य, सारे तीर्थ शरीर धारण करके आए। क्यों? लोग तीर्थों में जाते हैं यात्रा करने, तीर्थों में स्नान करते हैं, पाप धुल जाता है, मन को बड़ी शांति मिलती है, लेकिन स्वयं तीर्थ यात्रा करने कहां जाए? लोग तो पाप धुल करके धो करके चले गए, लेकिन स्वयं तीर्थों को जब कुछ आनंद इच्छा हो जाए, तीर्थों को यात्रा करने की इच्छा हो जाए, तो तीर्थ कहां जाएंगे? बोले जहां भगवान की कथा चल रही होती है, सारे तीर्थ वहां आते हैं यात्रा करते हुए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी। गंगा यमुना त्रिवेणी सकल तीर्थ वही है जहां भगवान की कथा हो रही होती।
तो तीर्थों की यात्रा हम करने जाते हैं, लेकिन स्वयं तीर्थ यात्रा करने यहां आते हैं जहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा जहां हो रही होती है वो तीर्थों का भी तीर्थ है। इस वक्त ये महातीर्थ है यहां, और फिर महापुरुष की तपस्थली। ये नित्य तीर्थ है। एक बात मैंने कई बार कथाओं में कही है कि एक बार शिव पार्वती विचरण करते हुए कहीं जा रहे थे, एक स्थान को देखा तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और वहां पर दंडवत किया और वहां की धूली में लेटने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। पार्वती ने सोचा यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई तीर्थ नहीं है और ये यहाँ दंडवत कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं यहाँ की धूली में। पूछा, नाथ कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, और आप? बोले, देवी तुमको पता नहीं, ये तो तीर्थों का भी तीर्थ है ये स्थान। कैसे? बोले, यहां 1000 वर्ष पहले भागवत की कथा हुई थी, ये स्थान तीर्थों का भी तीर्थ। इस वक्त भले ही तुमको यहां कोई मंदिर ना दिखे, भले ही कोई पानी ना दिखे, लेकिन ये स्थान तीर्थों का तीर्थ है। 1000 वर्ष पहले यहां भगवान की कथा हुई थी। भगवान की कथा से वहां के अणु परमाणु में ऐसी ऊर्जा, ऐसी दिव्यता भर जाती है। आप कथा को ऐसे वैसे मत लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए, इसकी बड़ी महिमा। हो, पार्वती को पता चला भगवान की कथा की ऐसी महिमा। पार्वती ने भी उस स्थान को प्रणाम किया। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर कहीं विचरण करते हुए जा रहे थे, महादेव जी ने फिर एक स्थान को देखा, फिर वहां दंडवत किया, फिर वहां की भूमि में लोटपोट होने लगे। पार्वती ने पूछा, यहां पर भी भागवत की कथा हुई थी क्या? महादेव जी बोले, नहीं देवी, यहां पर एक बार भी अभी कथा नहीं हुई है। बोले, तो आप यहां प्रणाम कर रहे हैं? बोले, देवी इस जमीन की कुंडली को मैंने देख लिया, 1000 वर्ष के बाद यहां भागवत की कथा होने वाली है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ प्रेमैकरूपा सहसा वीरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सब आए हरिनाम संकीर्तन करते, नाचते गाते व्यासपीठ के सामने प्रस्तुत हुए, श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया।
शिशु सदस्य। सब लोग सोचने लगे देखकर, कथम प्रविष्ट कथमागतेयम्, कथम प्रविष्ट कथमागतेयम्, मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः, मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः। श्रीकृष्ण गोविन्द सब लोग सोचने लगे कि ये कौन है, बड़ी मस्ती में नाच रही है, उसके दोनों पुत्र किशोर कितने प्यारे लग रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, इनको देख करके ही इतनी दिव्यता का दर्शन हो रहा, मन को सुकून मिल रहा, ये कौन है, कथा में कौन क्यों आए हैं। ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं, कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्, एवं गिरः सा सुतानिशम्या, एवं गिरः सा सुतानिशम्या, सनत कुमारं निजगादनं रा, सनत कुमारं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हो हे मुरारे, हे नाथ नारायण बोली, भवद्भिरद्य एव कृतास्मि पुष्टा, पुष्टा। व्यासपीठ को वंदन किया भक्ति देवी और सनत कुमारों से कहा, भवद्भिरद्य एव कृतास्मि पुष्टा, कलि प्रणष्टापि कथा रसेन, त्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, त्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, ब्रह्म इदं तां गिर्मोचिरे, श्रीकृष्ण गोविन्द कलयुग में प्रनष्ट हो गई थी, नष्ट प्राय सी हो गई थी, आपकी इस कथा के रस ने मुझे नवजीवन दिया है, मैं पुनर्नवा हो गई। मुझे यहां अच्छा लग रहा है, यहीं रहना चाहती हूं, आप मुझे बताओ मैं कहां बैठूं। अब ऐसा महानुभाव कोई कथा में आ जाए तो तुरंत हम उठकर उसका स्वागत करते हैं और उसको उचित स्थान देते हैं कि विराजो। तो भक्ति को भी व्यासपीठ से सनत कुमारों ने
भक्ति का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए स्थान दिया। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सापंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव करने वाली प्रेम स्वरूपा भवरोग को हरने वाली ए भक्ति महारानी स्वागत है तुम्हारा। आओ पधारो कथा में विराजो। कहां बोले कथा सुनने के लिए बैठे हुए हमारे सभी श्रोताओं के मन में विराजो। इसलिए सभी श्रोताओं के मन में भक्ति ने प्रवेश कर लिया और जैसे ही मन में वह अनुराग भर गया, हृदय भगवत अनुराग से जब भर गया, प्रेमोद्रेक हुआ, दिव्य प्रसन्नता से सब युक्त हो गए। और आगे आगे क्या हुआ सुनो। क्या भक्ति की महिमा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम् हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाय प्रविशति रुदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सही अर्थ में वे ही धनवान हैं जिनके हृदय में एक श्री हरि की भक्ति निवास। क्यों? क्योंकि भगवान भी अपने धाम को छोड़कर उन भक्तों के हृदय में प्रवेश करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन भक्तों के हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। ठाकुर जी भक्ति सूत्र से बंधे हुए हैं। भक्ति ही वो शक्ति है जो भगवान को सातवें आसमान से नीचे उतार लाती है और भक्त के प्रवेश के लिए बाध्य कर देती है। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीम् निजलोकम् परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च
जब भक्ति से सब लोगों के हृदय को निर्मल हुए देखा, ठाकुर जी को तो ऐसा ही घर चाहिए रहने के लिए, तुरंत घुस गए। सभी के हृदय में ठाकुर जी ने प्रवेश कर लिया। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरोल्लसन मुकुटकुंडल त्रिभंगललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधर आविवेशस्व भक्तानां हृदयान्यबलानि च। भैया जब भगवान ने आकर के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर लिया तो भगवान नारायण अकेले नहीं आते। बड़ा आदमी अपने परिकरों से हमेशा घिरा रहता है, जहां जाता है उसके परिकर सेवक सचिव गण सब साथ साथ ही जाते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो अकेले नहीं आते। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जया रामो रसपुष्टिः अलौकिकी चूर्ण प्रसूनवृष्टिश्च मुहुशंखरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। भगवान के परिकर गण भी गूढ़ रूप से वहां पर पधारे। नारद जी ने देखा तो वो चकित हो गए। कमाल है, इन ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए मैंने जमुना जी के तट पर वेद घोष किया, बार बार गीता का पाठ किया, मेरा गला बैठ गया, नहीं जागे। और ये यहां गंगा के तट पर कथा शुरू हुई और वहां जाग गए। केवल जागे नहीं, बुढ़ापा दूर हो गया और दोनों तरुण हो गए। वारे हरि कथा तेरी महिमा। और कथा ने उनको यहां खींच लिया। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। जहां भगवान की मंगलमय कथा हो रही होती है वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य सब आते। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा शठाये पशुपक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। नेत्रों से
भगवत कथा के महात्म्य को देख लिया तो श्रद्धा भागवत में और दृढ़ हो गई। और फिर सनत कुमारों ने बताया कि देखो, कोई कितना ही कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला महापापी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत की कथा उसे न केवल पाप मुक्त कर देती है लेकिन श्री कृष्ण लोक की प्राप्ति करा देती है। अच्छा, ऐसा भूतकाल में कभी हुआ है?